नमस्कार दोस्तों, देखो ये सबसे बड़ा प्याज का स्टोर है और इसमें देखो अभी प्याज पूरा ख़त्म हो गया है। और जैसे ये दोनों बाजू में ये है और बीच में ट्रैक्टर लगाने के लिए ही जमता है और माल भी रख सकते ऐसा होता है। और देखो कैसा इतना बड़ा स्टोर है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा स्टोर है। और देखो इसके बाजू में जैसे ये एक है ये और ऐसे ये एक है, जैसे यही रोड पर सात है ऐसे पूरे। ये जो रोड जा रहा है वहाँ ऊपर ऐसे पूरे सात स्टोर है। हाँ, और इस स्टोर में क्या होता है, जैसे साल भर का पूरा जो निकलता है, अभी निकलने इधर देखो प्याज है, प्याज है वो बाजू में, अभी वो निकलेगा इसमें स्टोर होगा ऐसा। और ज़्यादा भाव रहेगा तो उग जाएगा। और जो साफ सफाई का जो काम रहता है ना, वो हमारी भेड़ बकरी करती है। ये लोग ज़्यादा परेशान रहती है यार, भेड़ बकरी से साफ कराएंगे जैसे कैसे करेंगे, मजूरी लगेंगी लोग मिलेंगे क्या नहीं, ऐसे बहुत जैसे बातें रहती। तो जैसे हम ये भेड़ बकरी ला के क्लीनिंग करते हैं ऐसे, ये पूरा क्लीनिंग हो जाता है। सड़ा हुआ कोई हाथ डाले उसको लगेगा है बार बार, ऐसे गंदगी में कौन हाथ डालेगा, इसीलिए ये भेड़ बकरी उसको बहुत पसंद करती है। हाँ, तो जैसे इस टाइम साफ सफाई का पूरा काम रहता है। देखो वो बाजू में भी है, वो बाजू में दो है और ऐसे सात है ये रोड पर ऐसे स्टोर। और हमारे इधर प्याज बहुत होती है दोस्तों, भेड़ बकरी उसको पूरा क्लीनिंग करती है, पूरा साफ सफाई का काम। देखो क्या रह गया क्या इतनी चीज़ें, कुछ नहीं, बहुत पड़ा था सड़ा हुआ ऐसा कचरा उसका ऊपर का जो निकला हुआ, तो भेड़ बकरी ने पूरा को क्लीनिंग कर डाला। देखो ये बाजू में गन्ने की खेती होती है, वो बाजू में दिख रहा है वो जो थोड़ा नीचे हरा वो प्याज का खेती है ऐसा। वो प्याज अभी 10-15 दिन में निकलेगा ऐसा होता। तो ऐसा है दोस्तों, ये क्लीनिंग बहुत अच्छा करती है। मेरे को ये वीडियो बनाने का यही मतलब था, जैसे खेती का कोई क्लीनिंग रहेगा, जैसे बहुत कुछ घास जमा हुआ रहेगा उनको निकलने का है, ये देखो इनका मुँह हमेशा नीचे रहेगा ऐसे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राम कृष्ण हरी।